एंड आपके वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होते हैं जाइलम फ्लोएम, इनको छोड़ के बचा हुआ जितना भी पार्ट है वो सारा आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है. तो दैट इज ऑल टिश्यूज. ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस. Constitute the ground tissues. Right, बच्चों? आपके एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम जो आपने पढ़ा और वैस्कुलर बंडल, इनको छोड़ के बचा हुआ सारा आपका ग्राउंड टिश्यू है. अब इसमें क्या आते हैं आपके आपका ग्राउंड टिश्यू जो होता था ये किसका बना हुआ है? दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल टिश्यूज. ये सिंपल टिश्यूज का बना है. सिंपल टिश्यूज का मतलब समझ में आया बेटा? दे आर टॉकिंग अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यूज. सिंपल टिश्यूज का मतलब क्या हो गया आपके? सिंपल परमानेंट टिश्यूज. इसका ये बना हुआ है. और आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज कितने टाइप के थे बच्चों? Yes, anyone please tell me their names. Right. Three types. Naam, naam, naam. Yeah, naam, naam. Jaldi batao, naam. Parenchyma, collenchyma and phlenchyma. Very good. Tumhe milta hai 1 crore. Okay, very good. So that is parenchyma. Then collenchyma. और स्क्लेरेंकाइमा. यानी आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में तीनों टाइप का हो सकता है. पैरेन्काइमेटस सेल्स भी हो सकती है, कॉलेनकाइमेटस भी हो सकती है और स्क्लेरेंकाइमेटस भी हो सकती है. दैट इज पैरेन्काइमा जो है ये कहाँ प्रेजेंट है? राइट डाउन, क्योंकि मेजर ऑफ द पार्ट आपका पैरेन्काइमा का ही होता है. तो हमें इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है. मेजोरिटी आपकी पैरेन्काइमेटस सेल्स की ही है. तो ये कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज आपके That is present in cortex. Cortex में present हो सकते हैं. Pericycle यहां present हो सकते हैं. Pith में हो सकते हैं. Right? और medullary rings में हो सकते हैं. That is, आपके कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ और मेडुलरी रेस, यहाँ पे आपके पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं. मेडुलरी रेस क्या होती हैं? कोई बताएगा बच्चों? एनी आइडिया? अविनाश, एनी आइडिया व्हाट आर मेडुलरी रेस? सत्या, शिल्पा, वर्षा, आशीष, आराधना, सभी से मेरा क्वेश्चन है बच्चों. रितका, जनक, व्हाट आर मेडुलरी रेस? एनी आइडिया बच्चों? नो आइडिया? हाँ बेटा, नो आइडिया. देखो आपके मेडुलरी रेस, ओके ठीक है बता रहा हूँ. आपकी मेडुलरी रेस, ये मेडुलरी रेस जो होती है ये आपके वैस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है. फर्स्ट चीज तो ठीक है, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है.
ठीक है, कहीं कहीं आप पढ़ोगे वैस्कुलर बंडल्स, तो आपका मतलब एक ही है, जाइलम फ्लोएम दैट इज योर वैस्कुलर बंडल्स, तो इनके बीच में प्रेजेंट होती है और ये आपके पिथ और कॉर्टेक्स को आपस में जोड़ने का काम करती है, दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन पिथ एंड कॉर्टेक्स, आपके कॉर्टेक्स और पिथ को जोड़ने का काम आपकी मेडुलरी रेस करती है। और ये नेचर वाइज कैसी होती है आपकी, दैट इज पैरेन्काइमेटस स्ट्रिप्स होती है, पैरेन्काइमेटस स्ट्रिप्स, ठीक है। जैसे आपका ये स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ, ये आपका पेरिसाइकिल दिखा दी, पेरिसाइकिल के बाहर की तरफ का रीजन कॉर्टेक्स रीजन, और ये अंदर वैस्कुलर बंडल दिखा दी है जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम लाइक दिस, और ये बीच वाला पोर्शन हो गया पिथ, दिस इज पिथ। तो आपका जो मेडुलरी रेज होंगी वो जाइलम फ्लोएम के बीच में इस तरह से प्रेजेंट होगी लाइक दिस, इस तरह से प्रेजेंट होगी, और ये अंदर वाला ये जो पार्ट है दैट इज पिथ, इसको इस बाहर वाले पार्ट से कनेक्ट कर, दैट इज कॉल्ड मेडुलरी रेज। बात समझ में आई आप कुछ? यस सर।